तो ये है एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं मतलब बाटी बोलते हैं। कैसे बनाए हैं ये? आटा लिया। हाँ आटा लिया, तेल डाला, नमक डाला। अच्छा खाना खाना ही चाहिए। आप कितना खाएंगे? मैं तो दो खाऊंगी। मैं तो खाता ही जाऊंगा। मैं कम से कम तीन तो खा लूंगा। वो भी उतना गर्व। आंटी जी पोच पोच के दे रहे हैं, देखिए कितना शानदार अभी घर में बना हुआ। आंटी जी खुद हाथों से बनाए हैं। और आंटी जी दाल उबाल के रखे हैं, अभी तेल डाल रहे हैं कढ़ाई में। जो दाल बनाने का वो है प्याज कटा हुआ, टोमेटो कटा हुआ, मिर्ची, हल्दी, नमक। अच्छा राई, मिर्ची, हल्दी, नमक। अच्छा आंटी जी बोला है इसके अंदर चटनी है, हल्दी, नमक, बस ना। रवीज ने सलाद बनाया क्या? और एक खास बात बताओ, बॉम्ब की जगह अगर इसको आप छोड़ किसी को मारोगे ना तो उसका सर भी फूट जाएगा। राइट ना? ये है वो जो दाल जो माताओं बहनों ने मिलकर इसे बनाया है, और ये चटनी है, ये बाटी है घी में डूबी हुई जो चिकनी है मेरे सर के जैसी, और ये मूली और टमाटर और मिर्ची का सलाद है। कैमरा पर्सन है जिसने बहुत अच्छे से शूट करने आई पूरा। थैंक यू शिखा। आप लोग मैं मेरे साथ टू व्हीलर में नहीं बैठी है। टू व्हीलर में बहुत बार एक बार बैठी है। एक दो बार। तो दोस्तों हम नवदा में हैं और आज का एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये रवि है भाई, रवि भाई। हाँ मैं पहली बार आ रही हूँ। हाँ तो पहली बार है। तो और ये माता जी है रवि का, और हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। माता जी प्रणाम। ये क्या है? ये बॉम्ब बना रहे हैं आप? ये बॉम्ब बन रहा है। अच्छा दिवाली के लिए। दिवाली का बॉम्ब है ये? हाँ। तो ये है एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं मतलब बाटी बोलते हैं। अच्छा ये है आग में, ये बाटी आटे से बना हुआ, मसाला दे के ये बाटी बन रहा है। दाल बाटी की जो बाटी होते हैं वही चीज हम लोग बना रहे हैं इधर। और उसके बाद हम लोग आज एक पिकनिक की तरह इसको हम लोग एक साथ मिल के खाएंगे। हाँ थोड़ा सा बता दीजिए ना कैसे बनाए हैं ये? आटा लिया। हाँ आटा लिया, तेल डाला, नमक डाला, फिर लगा। अच्छा फिर उसको बना के अच्छी तरह से कंधे पे सेक। हाँ अच्छा, तो कितना देर से इसको बनाना पड़ता है? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा की अमाउंट से ज्यादा। तो आपने पूछा नहीं कंडा क्या हुआ? क्या कंडा क्या हुआ? आग किस चीज की हुई? कंडे की। कंडे समझी आप? नहीं मैं तो नहीं समझी कंडा। कंडा आप गोबर का सूखा हुआ गोबर समझी? उपला, हरियाणा में उपला बोलते हैं। बॉम्ब है। अब ये देखना है कि दोनों में से चिकना कौन है। आप समझ रहे होंगे दोनों किसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। अभी ये चिकना आप ही है। नहीं, अभी इससे क्या ना, इसमें जो राख लगे हुए है ना उसकी सफाई होगी, उसके बाद आप देखना। हाँ इसमें घी लगेगा, जैसे अगर मैंने एलोवेरा जेल लगाया है तो इसमें घी लगने वाला है, ये मैं बता दे रहा हूँ। बहुत शानदार बन रहा है, बहुत अच्छा, हम पहली बार देख रही हूँ। दोस्तों को मैं बता दूं कि ये जो बाफला बनता है ये ना समझा जाए कि ये रोटी पकाने में मेहनत होती है, इसमें मेहनत नहीं, इसमें भी बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत से बनता है ये चीज़, और बैठ के सीखना पड़ता है। और अगर आप यहीं दूर से देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं हर किसी की साइज हाथ से ही बनी हुई है, मतलब एक एक साइज मतलब बराबर है, बिल्कुल सारी साइज बराबर है। तो इसमें भी बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, आसानी से नहीं बनता है ये, आग में बैठकर सेकते रहना पड़ता। मुझे लगता है कि ये कम से कम आप 1.5 घंटे 2 घंटे से कर रही हैं। हाँ ये गया जब से मैं कंधे पे लगा देते। हाँ तो नीचे भी बना के लाई तो ये जो गोबर का आग है इसमें इसका टेस्ट भी ज्यादा अच्छा होगा। बाकी और जगह से गैस में भी बनाया जा सकता है, बनाई गैस में इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जो इस गोबर का आग में। ये ऐसा खाना है जिसको अभी आग में जलाया गया है, अभी निकाला जाएगा और उसको पीटा भी जाएगा खाने से पहले। पीटा जाएगा अभी उसको। ये कंडा लेता हूँ मैं। तो रवि कितना खा लोगे आप?
एक तो पूरा खा लूंगा। एक खा लोगे? अच्छा अच्छा, तो रवि एक खा, शिखा कितना खा लोगे आप? मैं तो दो, दो से ज्यादा भी डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, अच्छा खाना खाना ही चाहिए। आप कितना खाएंगे? मैं तो दो खाऊंगी। ठीक है। क्या पूछा आपने? आप कितना खाओगे? मैं तो तब तक खाऊंगी जब तक मतलब खत्म नहीं होगी। हाँ। मैं तो खाता ही जाऊंगा, खाता ही जाऊंगा। मैं कम से कम तीन तो खा लूंगा, तीन खा लूंगा मैं। इससे ज्यादा ये खा भी नहीं पाते क्योंकि हैवी रहते हैं। बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी होता है ये। आप एक तरह से समझे कि ये जो देख रहे हैं ये दो रोटी है, ये दो रोटी है और ये भी फुली भी रोटी नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड रोटी है ये। और एक खास बात बताओ, बॉम्ब की जगह अगर इसको आप छोड़ किसी को मारोगे ना तो उसका सर भी फूट जाएगा। राइट ना? हाँ। ये जो बफला है इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स दूंगी रवि को, जिन्होंने इनिशिएटिव लेके मम्मी जी को बोल के इस अंडे में बना रहे थे, नहीं तो ऐसे ही हम लोग इसके ओवन में बना लेते। कि माता जी को भी बहुत बहुत थैंक्स, रवि को भी बहुत बहुत, इतना गर्म है इसमें हाथ चल रहा है। तो दोस्तों आंटी जी का किचन, और इधर हम लोग दाल बाटी तो देख लिए, बाटी के साथ ये जो मसाला है जो दाल बनाने का वो है प्याज कटा हुआ, टोमेटो कटा हुआ, मिर्च, हरी मिर्ची और लहसुन कटा हुआ। और आंटी जी दाल उबाल के रखे हैं, अभी तेल डाल रहे हैं कढ़ाई में। उबली हुई दाल है ये, तुअर का दाल है, दाल गड्डी है, इसमें गर्म पानी, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है सारे मसाला से। राई, मिर्ची, हल्दी, नमक। अच्छा, राई, मिर्ची, हल्दी, नमक। मैं लहसुन को कूट रही हूँ, मामी जी को, आंटी जी को मदद कर रही हूँ। तो मधुमिता बिल्कुल अब काम पे लग चुकी है, वो माता जी के साथ क्या कर रही है, दाल बना रही है जिसके साथ बाटी खाया जाएगा, और जिस तरह से वो लहसुन कूट रही है अगले दो घंटे में लहसुन कूटा जाएगा। अच्छा आंटी जी बोला है इसके अंदर चटनी है जिसके बिना दाल बाफले का, जो इसके साथ दाल बाफले का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये चटनी कैसे बना है आंटी जी को बाजू? उधर बनाया जा रहा है, इधर हम दोनों बस इंतजार कर रहे हैं कि बने और खाए। तो राई, सरसों, हल्दी ये सब डालने के बाद ये जो काटा हुआ हरी मिर्ची, टमाटो, प्याज और लहसुन ये है जो अभी जाएगा। टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, नमक, नींबू नहीं डाला। अच्छा नींबू नहीं डाला, जो खाएगा वो डाल लेगा। अच्छा तो ये सब मिला के ये चटनी बन गया है, आप देखिए टेस्ट करिए। नमक कम है जी, बहुत नमक कम है, पास पड़ा नमक तो शिखा ने नमक डाल दिया इसको सही बनाने के लिए। अच्छा दाल का मसाला आंटी जी क्या क्या डाले हैं इसमें? मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, बस ना। अरे वो मेरा मिक्सर खराब हो गया ना, पास वाले यहाँ पिसवा, इसने फोन करा मम्मी चटनी भी बनवा ले। कितना शानदार कलर आए हैं ये जो दाल का मसाला में खिल के लाल आया, नहीं हम लाल वाला यूज ही नहीं। तो आंटी जी ऊपर चले गए हैं बाफले को लाने, और मेरे हाथ में किचन। तो ये जो मसाला है ये मैं पका रही हूँ, ये पूरा पक जाएगा, तेल निकल के आ जाएगा, उसके बाद ये जो उबला हुआ दाल है वो हम लोग डाल देंगे, इसमें डाल देंगे ताकि ये दाल अच्छी तरह से टेस्टी दाल बन जाए। और इधर देखिए कितना सुंदर काट के सलाद रखा हुआ है, रवि ने सलाद बनाया क्या? अभी इस मसाला रेडी है, और ये उबला हुआ दाल था वो इसमें डाल गया। अब इसको कितना देर, 10-15 मिनट उबालेंगे। हाँ उबालने के बाद ये दाल रेडी हो जाएगा, उसके बाद और कुछ डालेंगे आंटी जी इसमें? धनिया। अच्छा धनिया पत्ता डालेंगे, हरी धनिया। ये बाटी आ गया है, और आंटी इधर घी को गरम कर रहे हैं, शुद्ध गाय का घी है ये, आसपास से लाया हुआ घी है।
नहीं मैं तो घर ही बनाती घर में। अच्छा एकदम शुद्ध है क्योंकि आंटी जी इसको घर में ही बनाते हैं। ये हिंग का पानी है जो दाल में डाला जा रहा है। हाँ। ये पानी और हिंग एक साथ मिला के। हाँ। अब ये साफ हो रहा है बाटी। तो दोस्तों वक्त आ गया है जब ये बाफला जो है जो बाटी है उस बाटी को साफ किया जा चुका है और साफ करने के बाद उसमें घी लगाया जा रहा है। घी ऐसा चमकाना है उसे। मैं भी आंटी जी के पास बैठ के बाफला में घी लगा रही हूँ। घी जितना गर्म है वो भी उतना गर्म। आंटी जी पोछ पोछ के दे रहे हैं। देखिए कितना शानदार अभी घर में बना हुआ आंटी जी खुद हाथों से बनाए हैं। शानदार इतना ज्यादा है इन लोगों के बीच में मधुमिता के बीच में कि वो हंसने का कारण भी नहीं बता पा रही है। तो? किसी को मजाक निकालते हैं ना। अरे ले लो मजाक कर लो उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई। देखिए बताओ बताओ दुनिया जानना चाह रही है। हाँ दुनिया जानना चाह रही है तुम्हारी जो चिकना चिकनापन तुम्हारे पास है। हाँ। उससे ज्यादा चिकना ही है। तो हरी हरी धनिया इसे पूरा गार्निश हो गया। इतना सुंदर खूबसूरत दाल से उतने खूबसूरत स्मेल आ रहा है। खाने को सर्व किया जा रहा है। शिखा आज खाना सजा रही है बहुत प्यार से। आज शिखा का हाथ का खाना खाएंगे हम लोग। वाह एक प्लेट सज गया पूरा। बाटी दाल चटनी सलाद और मिर्ची। इतने भी पुराने हो क्या करेगा। देखिए खाना आ गया हमारा। और दोस्तों एक अच्छी बात मैं बता दूं ये हमारे मोहनदा है पास के गांव से हैं। ये मोहनदा अभी हमारे साथ यहाँ पर रवि भाई के यहाँ पर हम लोग दाल बाटी खाएंगे और मधुमिता भी खिलाएंगे। मधुमिता भी साथ में खाएंगे और उसके बाद खाने के बाद हम लोग इनके गाँव जाएंगे। ये है वो जो दाल जो माताओं बहनों ने मिलकर इसे बनाया है। और ये चटनी है धनिया पत्ते की चटनी है। ये बाटी है घी में डूबी हुई जो चिकनी है मेरे सर के जैसी। ठीक है। और ये मूली और टमाटर और मिर्ची का सलाद है। तो ये इस तरीके से दाल बाटी रवि भाई का दाल बाटी और माता जी के हाथ से बना। तो दोस्तों आज के इतना अच्छा खाने के लिए आंटी जी को बहुत बहुत थैंक्स और रवि को भी जिसके इनिशिएटिव से आज का ये प्रोग्राम बना। और शिखा इधर पानी दे रही है हम लोगों को। इधर है मोहनदा। और आंटी जी किधर गए माता जी किधर गए। और ये कैमरा हैंड ओवर टू शिखा हो जाएगा अभी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हम लोग खाना शुरू करने के लिए हैं आप जिसमें क्या क्या हो तो हमने आपको बता दिया। साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपने नॉर्थ इंडिया देखा होगा बिहार यूपी देखा होगा तो वहाँ लोटे होते हैं लेकिन ये मध्य भारत है यहाँ पर इस तरह का लोटा ये पात्र होता है जिसके यहाँ जग ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसे जग जग बोलते हैं इसे। और ये बड़ा अच्छा होता है वहाँ पर बाहर लोग ऐसे पी लेते हैं। ग्लास भी हमें दिया गया हम लोग ग्लास से पीएंगे। हम लोग शुरू करते हैं मोहनदा शुरू कीजिए। ये है बाटी ये साथ और इसमें घी डूबा हुआ है पूरा। अब पूरा एकदम लग रहा है पूरा घी भर गया है इसके अंदर। अभी अब इसको खाएंगे हम लोग। ये जो गोबर की आग से सेका हुआ जो लड्डू है बाफला है बहुत टेस्ट बन रही है और जो देसी घी का स्वाद है इसमें अच्छी नहीं बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। जम के टेस्ट ले रही हूँ। और ये जो है रवि जी और माता जी इतना प्यार से बनाए हैं। हमेशा मैं ये बोलती हूँ प्यार से बनाया हुआ खाना का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो है एमपी का लोकल खाना है और इस
का मैं मजा ले रही हूँ आज। शिखा को आराम देते हैं। हो गया शिखा, थैंक यू। शिखा कैमरा पर्सन है जिसने बहुत अच्छे से शूट करने आई पूरा। थैंक यू शिखा, आप लोग मेरे साथ बैठ के शूट नहीं कर पाते। जी सही है। शिखा कैसे लग रहा है? हम लोग देखेंगे जब तक खुद रिकॉर्ड ना करें, हम लोग भरोसा ही नहीं। पर ये मैंने